हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर, और आप बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। हम जा रहे हैं डाकखाने, काम ख़त्म कर लिया है, सारा निपटा लिया है, पूजा पाठ कर ली है। अब पियेंगे थोड़ी सी चाय, और चाय पीने के बाद जाते हैं डाकखाने। काफ़ी दिन हो गए डाकखाने जाओ, तो आज चलते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं डाक खाने की ओर। रश्मि को साथ लेकर और यहाँ आ गई हूँ मैं डाक खाने रश्मि के साथ। तो डाक खाने में मुझे धक्का लगा, क्योंकि वो मैडम नई थी, उसका ट्रांसफ़र हो चुका है, तो मुझे बहुत दुख हुआ। तो मैंने पूछा, एक नई मैडम थी, तो मैंने उस लड़की से पूछा वो मैडम कहाँ है। कह रही उनका तो ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारा मेल हो चुका था बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो और वो चली गई यहाँ से। तो मैं उसे बहुत मिस किया डाक खाने जाकर। कोई बात नहीं, ये लड़की भी बहुत अच्छी है, जो नई लड़की आई है वो भी बहुत अच्छी है, पर उन्हें तो मैंने बहुत ही मिस किया। तो मैं अपना फॉर्म भर रही थी डाक खाने आकर। ये देखो हमारे घर में कौन आया है। हेलो, हाउ आर यू? फाइन, आप सब कैसे हो और आप कैसे हो? सब ठीक है। और अभी हम करेंगे बहुत सारी बातें ऐसे। मैं पहले इसके घर गई डाकखाने से आते हुए, अभी हाल फिर हम जल्दी नहीं यहाँ पर आए। 12 बजे के करीब आए थे, 12 के 5-7 मिनट बाद, मतलब वहाँ पे हम 1 घंटा कुछ 1 मिनट रहे, फिर भी पर काफी देर रहे। 1:30 बज चुका है अभी हम यहाँ। अब आप देखो, हम 1:30 बज चुका है, मतलब 2-3 मिनट है 1:30 बजने में। अब देखो कि अब मैं शाम को किस टाइम जाऊंगी क्योंकि मुझे ना काम भी है अपना, पर मैंने कहा चल चलते हैं, बड़े दिन हो गए, काम तो चलते ही रहेंगे जिंदगी। अरे छोड़ ना, छोड़ क्या रखता, कमाई करो प्रभु की। क्या धरा कमा को मुख, सब तेरे बच्चे ही यूज करेंगे, तू ही वही चली जाएगी। पूत का पूत तो क्यों धन सांचार, पूत का पूत तो क्यों धन सांचार, फिर भी सांची रे करी, सांची रे तू तो डेरी सांच रही, खाना पीना भी दुश्वार कर दिया तुमने। खाना पीना तो टाइम से कर लेते हैं, खा लेते हैं टाइम से, खाना पीना दुश्वार कर रखा इसने अपना, कमाने में लगी पड़ी है पूरी। यहाँ आई ना भाग के, इस वजह से मैंने वो फटाफट सब्जी नहीं खाई, वरना मैं इत्मीनान से खा लेती बनाई। अब मुझे मन भी नहीं, चल यहाँ बना दूंगी, काट दिखाएगा वो, रोट खाया ना चाय के साथ तो मन नहीं हुआ, और मैं सोच रही थी कि वो ले लूंगी, एक बांटने का होता है, एक अपने खाने का होता है, और एक कन्या का होता है। अब वो मेरे पास ही आ गया। हाँ, अब वो क्या है कि हम थे 4 जने, तो 4 जने में कितना बढ़ जाता, मुझे पता नहीं था, मुझे पता चला अगली बार से पूरा एक बांट, हाँ एक पूरा बांटने का होता है वो, उसमें नहीं रखते, वो पूरा बांटने का होता है। हाँ तो वो ऐसे 1600 मार के बर्तन भी ऐसे होता है, 3 बर्तन 3 वो होते हैं ना, एक शिव जी पर चढ़ता है, एक बांटते हैं, और एक को अपने आप खाते हैं। मैं तो खाया था रात को, उस टाइम खाया था सबके साथ, और अभी खाया था सुबह में चाय के साथ, और अच्छा लगता है, मैंने नहीं खाया आज चाय के साथ। अब ऐसा होता है,
और तूने जो बिस्कुट दिए थे मैं तो अच्छे लगे थे बहुत ज्यादा अच्छे लगे वो तो मुझे। मैं तो सुबह सुबह जाते जाते ना मैंने कहा शायद वो जा रही है, मैंने कहा क्या कहते हैं, मैंने कहा रिंकी मैंने जी तो काम का चाय पी लूँ बिस्कुट के मारो, फिर दो बिस्कुट खाए मैंने फटाफट फटाफट अच्छे लगे। चलो जी ठीक है हम बात करते हैं, यही बातें चलेंगी, बहुत ज्यादा बातें चलेंगी तो ठीक है। आप लोग कमेंट करते हो ना कि कुछ रश्मि के बारे में बताओ भाभी, आज चलो कुछ खाएंगे बैठ के थोड़ी बहुत देर में, पहले ये कार्तिक की रोटी पानी कर ले, कार्तिक को आ जाने दे पहले, फिर करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो। बहुत सारे कपड़े और थे और बिल ज़्यादा आता है अगर सब प्रेस करूं, वैसे मैं तय ऐसे कर देती हूँ कि प्रेस जैसी होती है क्रीज बन जाती है, तो टी शर्टें हैं लोअर हैं इनका प्रेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इन सब कपड़ों पे चुन्नी वगैरह जो उनसी टी शर्टें वगैरह तो इनमें मैंने तय कर दी, तो अच्छी तरीके से करिए तय, देखो सारे कपड़ों पर तय कर दी। और प्रेस मैं खास खास कपड़े भी करूँगी क्योंकि काफ़ी पड़े हैं, वैसे प्रेस के कपड़े काफ़ी पड़े हैं पर मैं थोड़े ही कपड़े प्रेस करूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा भी लगता है प्रेस, और मैं सब पे प्रेस कर देती थी पहले, जो कार्तिक है वो तो लोअर पे भी करवाता है, टी शर्ट पे भी करवाता है, सब पे करवाता है प्रेस, और बिल बहुत आता है इसलिए भैया सब पे तय करके रख दी, और थोड़े से कपड़े बचे हैं उनमें प्रेस करूँगी। और मेरी बीच में जो वीडियो नहीं आती, अब आधी अधूरी वीडियो पड़ी है, जब वो रश्मि के साथ में डाक खाने गई थी आधी अधूरी वीडियो पड़ी है और उसे मैं पूरी भी नहीं कर पाई क्योंकि मेरे गले में ना बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, शायद जुखाम की वजह से या क्या, जाऊंगी दवाई लेके आऊंगी, दवाई वैसे मैं खाती नहीं ना, मैं डॉक्टर के जाती हूँ चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, और मैं बिल्कुल डॉक्टर के नहीं जाती, अपने आप ही कर लेती हूँ ठीक काढ़ा बना के पिया था तो थोड़ा रात तो थोड़ा राहत थी, बहुत ज़्यादा ऐसे करने से भी ना बहुत दर्द होता जैसे गला छिल रहा हो ऐसे होता, तो क्या कहते हैं बहुत दिक्कत हो रही, फिर मैंने रात को काढ़ा बना के पिया, काली मिर्च चाय बना के काली मिर्च अदरक और लौंग इलायची तुलसी के पत्ते नमक थोड़ा सा डाल के वो पिया तो थोड़ी राहत मिली, पर फिर भी खराश हो रही बोलते वक्त, तो इसलिए मैं वीडियो पूरी आधी अधूरी पड़ी थी वो पूरी नहीं कर पा रही थी वीडियो, क्योंकि बोल लाइन जा रहा, जब मैं बोलती थी दस का उठता था बोलने से ना दस का उठता था तो बोला नहीं जाता, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं जब ठीक हो जाएंगे प्रॉपर जब वीडियो बना लेंगे, तो मेरी वीडियो ऐसे भी होती है कि बन नहीं पाती, तो क्या होता है कि बीच बीच में तबीयत खराब होती रहती है मैं तो आपके जो कमेंट हैं और आप इतने अच्छे हैं, मैं कह रही चैनल बना के मैंने एक तरफ से सही किया क्योंकि मैं ठीक होने लगी हूँ, क्योंकि मैं इसके लाले लग रहती हूँ वीडियो बनाने के, कुछ कमेंट पढ़ने के, और आपकी अच्छी अच्छी बातें जब लिखी हुई होती है ना तो मुझे खुशी मिलती है, तो मैं डिप्रेशन से ना बाहर आ गई हूँ ठीक हो गई हूँ। एक आध कमेंट आता है, जैसे एक कमेंट था वो कीर्तन वाली वीडियो पर था एक कमेंट कि आप शायद वो पहले वाली थी, एक बार पहले भी बोला था किसी ने, कह रहे कि आप जो है ना वो सिंदूर ना डस्टबिन में फेंक दो और दूसरा पति ढूंढ लो, भाई ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई शर्म, उसे शर्म नहीं आई लिखते, मुझे तो पढ़ते हुए शर्म आई, जवान बच्चे हो रहे मतलब बच्चों के लिए लड़की ढूंढनी है, और उसने कमेंट में लिख रखा था कि आपने लिए ना दूसरा पति ढूंढ लो,
अरे खेल है पति ढूंढना, बिखरे पड़े हैं जो ढूंढ लेंगे, अगर दूसरा भी बेवफा निकला तो तीसरा, तीसरा बेवफा निकला चौथा, पांचवा छठा। यार मैं उस लेडीज को देखना चाहती हूँ, उसने कितने बदल दिए होंगे, पता नहीं कितने बदल दिए होंगे उसने। तो जो दूसरों को ये बात बोल रही, तो अपने आप तो, क्योंकि ऐसा तो इस दुनिया में नहीं है जो बिल्कुल ही साफ सुथरा हो, किसी में कोई कमी तो होगी, तो एकदम बदल दो फटाफट, बदल दो मतलब, तो कुछ नहीं नया ढूंढ लो एकदम फटाफट, छोड़ दिया नया ढूंढ लिया। भैया मेरा 7 जन्मों का एक ही है, मेरी तलाक नहीं हुई तो मेरा पति वही है, वही रहेगा और 7 जन्मों तक वही रहेगा, तो मैं, मुझे क्या मतलब है, कौन बेवफा है, वही तो बेवफा है, मैं तो नहीं बेवफा, तो मैंने तो उसी पति मान रखा है, हमारी तलाक हुई ना कुछ हुई, तो भैया प्रॉपर्टी तो मेरी है, रजिस्ट्री तो मेरी हो रही है, किस कोई भी रह लो उसके, कोई भी ना रह लो, बाई चांस कोई प्लॉट पड़ा है खाली, भाई जिसके नाम रजिस्ट्री है ना, रहेगा तो उसका ही, अब उस पर कोई बैठ जाओ, कोई खेल लो, कोई कुछ कर लो, कुछ भी कर लो, वो तो प्लॉट तो उसी का रहेगा ना, तो इसमें मतलब यार शर्म मानी चाहिए ऐसे कमेंट करते, मतलब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो, जितने मैं जब भी तो कहती हूँ जितने हैं ना बस उतने ही रहो, बाहर से मत आओ और कोई मत आओ, या तो ये सोच जाती हो कि ये अपनी स्टोरी बता देगी, किसी किसी को मिर्च मसाला चाहिए ना कि ये ना ऐसा बोलने से ना फिर ये अपनी स्टोरी बताएगी, वो पहला भी कमेंट ऐसा ही था, और ये भी सिंदूर को डस्टबिन फेंक दो, सिंदूर की हिम्मत जानती हो क्या आप, जानते हो क्या सिंदूर क्या चीज होता है, एक और इन्हें यही नहीं पता सिंदूर का मतलब क्या हो, क्या वो हो है, मतलब मेरे पास सबके कमेंट इतने अच्छे अच्छे आते हैं, मुझे मतलब नहीं है, एक आध कमेंट अगर ऐसा नेगेटिव आ जाता है तो मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो मैं डिप्रेशन में बाहर भी निकलना चाहूँ ऐसी ऐसी आकर फिर मुझे डिप्रेशन में डाल दें, या मेरे बच्चे जवान हो गए मुझे देख तो मतलब शर्म तो आनी चाहिए, देखो तो सही कि मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए उनके लिए मैं लड़कियां ढूंढूंगी, तो अपने लिए पति ढूंढ लूँ, नया है अपने लिए दूसरा पति ढूंढ लूँ, मतलब इस सिंदूर को ना डस्टबिन फेंक दूँ, क्यों फेंकूँ मैं डस्टबिन सिंदूर को, सिंदूर जानते हो आप, और मेरी शादी जो है ना पूरे वेदों विधि विधान से हुई है, 7 फेरों से हुई है, पूरा गाँव गया था, पूरे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे, 7 फेरे हुए थे, पूरे पंडित वगैरह बैठे हुए थे, जब मेरी शादी हुई थी कोई ये तो है नहीं कि साइन हो गया और शादी हो गई, कागज पे साइन किया और हाँ कर ली शादी, उसे तोड़ दो फटाफट तोड़ दो, अरे खेल बिना रखा है क्या शादी का, कि तो दूसरा ढूंढ लो, एक एक बेवफा निकलेगा दूसरा कर लो, दूसरा बेवफा निकलेगा तीसरा कर लो चौथा कर लो, ये कमेंट मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे घर वाले पढ़ेंगे क्या कहेंगे, दूसरा ढूंढ लो, मतलब आप दूसरा ढूंढ लो, इसे तो डस्टबिन फेंक दो, क्या होता है सिंदूर से, कुछ भी नहीं होता सिंदूर से, तो मतलब होता क्या है सिंदूर से, मुझे तो ये नहीं पता सिंदूर से होता क्या है, मैंने तो ऐसे ऐसे देखे जो सिंदूर नहीं लगाते वो सदा सुहागन रहते हैं, जो सिंदूर लगाते हैं वो बेचारे बाल कमी उम्र में विधवा जाते हैं, हमारी भाभी है इतना सिंदूर लगाती थी, वो सुबह नहा धोकर सबसे पहले उसका क्या था इतनी मांग भरती थी वो चमकीली बिंदी लिपस्टिक, और देखो क्या हुआ मेरे भाई चला गया, और हमने लाइफ में ना अपनी माँ को कभी नहीं मांग भरते हुए देखा, ना बिंदी लगाते हुए देखा, सुबह से मंदिर में जाती थी, तो मेरी माँ जब मंदिर में जाती थी ना बस मैं सिर्फ वो चंदन का टीका देखती थी, वरना मैंने अपनी जब से मैंने सौदी संभाली है मैंने अपनी माँ को ना तो मांग भरते हुए देखा था, ना बिंदी लगाते हुए देखा था, ना लिपस्टिक लगाते हुए देखा, कुछ नहीं लगाते हुए देखा था, लेकिन मेरी माँ सदा सुहागन गई है, और हमारी भाभी इतना मतलब मेकअप करते सुबह क्या होता है मांग भरने से, उससे जिसकी जिंदगी में जो लिखा हुआ है ना वो होगा रहेगा, वो होता है मतलब क्या होता है, तो मतलब यार कुछ तो शर्म कमेंट करने से पहले ना कुछ शर्म कर लिया करो, कि उस कमेंट को सब पढ़ते हैं, मतलब मेरे जवान बच्चे हो रहे हैं, मैं दूसरा ढूंढूंगी अब जब मुझे वही चाहिए जो मेरे रोज के हैं, अरे इससे बढ़िया तो वो है कम से कम 4-5 हज़ार व्यूज आ रहे हैं मेरे, कम से कम वो कमेंट नहीं करते, लेकिन वीडियो देख रहे हैं कमेंट नहीं करते, मत देखो ना मतलब कमेंट ना करो, देख लो सिर्फ वीडियो, कमेंट करना जरूरी है कि ये अपनी स्टोरी बताएगी, फिर वो करेगी फिर मजा लेंगे, क्या एक दिन बता दिए उन्होंने एक दिन का मजा मिल गया वो मिल गया, तो मतलब यार सोच समझ के कमेंट करो प्लीज, सोच समझ के करो, मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, और क्या कहते हैं मुझे, मैंने सोचा मेरे पास सारे अच्छे जुड़े हुए अच्छे हैं मेरे पास सारे अच्छे जुड़े हुए हैं, जो जिनके कमेंट पढ़ के मैं नॉर्मल फील करती हूँ, बहुत अच्छा फील करती हूँ, मैं ठीक होने लगी हूँ, ठीक हो गई हूँ, बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो चुकी हूँ, मुझे मैं किसी डॉक्टर के नहीं जाती, मैं किसी उसके नहीं जाती, जब से मैंने चैनल खोला है मैं कमेंट पढ़ पढ़ के मुझे अच्छा लगता है, अरे यार दुनिया में कितने अच्छे लोग हैं, मतलब कितनी परवाह करते हैं दूसरों की, मतलब मुझे उनके कमेंट में रात रात पढ़ती हूँ तो इतना अच्छा लगता है मुझे, पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है, इनसे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, एक आध आ जाता है हाइड कर दिया मैंने उसको दोबारा से, भैया तू करने की ही नहीं, तो मतलब
मुझे सिर्फ मेरे भी चाहिए जो मुझे मैं तो मेरे चैनल पर अगर आए तो सिर्फ अच्छे ही इंसान आए जो अच्छे कमेंट करें। और हाँ, वीडियो अच्छी ना लगे तो कोई बात नहीं, मत देखो, उसे बंद कर दो, बिल्कुल भी ना देखो, ज़बरदस्ती नहीं है बिल्कुल भी। और ज़बरदस्ती तो किसी के पास भाई किसी के ऊपर है ही नहीं ज़बरदस्ती, तुम मेरी वीडियो देखो या वो देखो या वो देखो, तो मतलब मर्जी है, मुझे उतने ही चाहिए जितने हैं, लेकिन जितने हैं ना उतने मेरी वीडियो देख लिया करो, बहुत अच्छे हैं सब सब बहुत अच्छे हैं। 23,000 हो चुके, तो अगर 23,000 दे लेते हैं तो वो होता है मुझे, प्लीज़ वीडियो देख लिया देख लिया करो, टाइम है। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड और लेते हैं आपसे इजाज़त, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगर ठीक रही तो पता क्या गले से ना आवाज़ नहीं आती और ऐसे बहुत ज़्यादा वो होती, तो आधी अधूरी वीडियो पड़ी हुई थी तो मैंने कहा चलो पूरा ही कर लेते हैं थोड़ा सा इस वीडियो को आज, थोड़ा सा ठीक है। तो अब देखती हूँ दवाई लाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खराश हो रही है गले में, बहुत ज़्यादा जुकाम लग रहा है, मतलब तो जुकाम भी नहीं लग रहा पर खराश ऐसे हो रही थी, आवाज़ बोलते हुए ना वो हो रहा दसका सा छूट जाता है बहुत ज़्यादा, खुश सा हो रहा है। तो काढ़ा पीऊँगी एक दो बार और अपने घर में मैं दवाई बना लेती हूँ अपनी, मैं कभी दवाई नहीं खाती भाई बहुत कम खाती हूँ, जब ज़्यादा ही कुछ हो जाता है ना तो तब जाके मैं डॉक्टर के जाती हूँ, वरना मैं जाती नहीं। एक बार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती तो लकी मुझे ज़बरदस्ती ले गया और मैं वहाँ पर बैठी 15-20 मिनट बैठी रही, अब भीड़ ज़्यादा थी डॉक्टर के, मैं वापस ही आ गई और अपने आप ही ठीक हो गई, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी क्षमता होती है ठीक होने की। तो जब मुझे ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है मैं डॉक्टर के जब ही जाती हूँ, तो मुझे वे ही चाहिए जो मुझे रोज़ के कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे करते हैं और मुझे डिप्रेशन से बाहर कर दी उन्होंने, बहुत ही अच्छे कमेंट होते हैं और मुझे ये प्यारे दोस्त ही चाहिए मुझे, और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद। जो हमें अच्छे कमेंट करते हैं हम उसे दिल से धन्यवाद देते हैं, और बहुत मैं ये सोचती हूँ मैं इन्हें क्या, मतलब इन्हें बदले में रिप्लाई में क्या ऐसे लिख दूँ, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कमेंट होते हैं और जो गलत करते एक आदमी होता है, मतलब देखो पूरी वीडियो पे ऐसे है, कई वीडियो पे सिर्फ एक ही आया था वो, तो मुझे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर थोड़ा सा वो है यार बच्चे जवान हो रहे हैं और बच्चों की शादी की उम्र है, मुझे कह रहे हैं कि डस्टबिन में फेंक दो सिंदूर और नया कर लो, मतलब ये मुझे बात, मुझे दुख हुआ इसे सुनकर, क्योंकि मेरा पति है और हट्टा कट्टा है, ठीक ठाक है, बिल्कुल वो है, तो जरूरी पास में रहने से ही सारे रिश्ते बनते हैं, वो रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट आगे से मत करें, क्योंकि दोबारा से वो ना पूरी रात फिर मैं सो नहीं पाती, तो कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट कर देता है, जबकि एक आता है देखो 100-150 तुम्हारे बहुत अच्छे आते हैं और एक उसमें गलत आ जाता है, तो क्या होता है कि फिर मैं उसे सोचती रहती हूँ उस कमेंट को। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट ना करें, और अगर वीडियो ना अच्छी लगे या मैं अच्छी नहीं लग रही तो कोई बात नहीं, मत देखो वीडियो को, एकदम बंद करो, तो पर कोई गलत कमेंट ना करो। तो उन्हें जो मुझे अच्छे कमेंट करते हैं दिल से धन्यवाद, और जो मुझे नेगेटिव करते हैं तो उन्हें वही सद्बुद्धि दे भगवान, और मेरी वीडियो पे नहीं किसी और की वीडियो पर किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि उनके परिवार वाले उनके घर वाले सब देखते हैं कमेंट, तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे नहीं, मेरी वीडियो पे तो बहुत ही कम आते हैं, मतलब एक आदि आ जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो दूसरों की वीडियो पे भी देखती हूँ, मुझे आकर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, तो प्लीज़ क्यों दूसरों को दिल दुखाना, क्यों दुखा रहे हो दूसरों का दिल भी, तो नहीं अच्छी लग रही, नहीं कोई अच्छा लग रहा तो मत देखो वीडियो, तो गलत कमेंट ना करो। तो चलिए लेते हैं आपसे इजाज़त, कल मिलेंगे अगर ठीक रहे तो, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।